नमस्कार दोस्तों, स्टडी द राइट वे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं 10वीं का पूरा सिलेबस, वो भी फ्री वीडियो के माध्यम से। तो अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब या फेसबुक चैनल को लाइक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो मेरी आप सबसे विनती है कि डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ में ही अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर सीबीएसई पैटर्न का। ये एसएससी में भी सेम कंटेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी फॉलो होता है, तो चिंता की कोई बात नहीं एसएससी वालों को भी। तो हम देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आज का चैप्टर है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं कि सबसे पहले तो 118 एलिमेंट है, उनमें से 90 के करीब एलिमेंट जो है वो मेटल्स है और 22 करीब 22 नॉन मेटल्स है और बाकी मेटालॉइड्स है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। मेटल्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जबकि नॉन मेटल के जो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये कुछ एग्जांपल्स है मेटल्स। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मैं पहले समझाता हूं और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद देखिए डक्टाइल, मतलब इनसे तार निकाली जा सकती है, तार निकाली जा सकती है तो वो तार बनती है उनसे। सोनोरस मतलब उससे, अगर उसको मान लो ये मेटल है मेरे पास और इसको किसी हार्ड सरफेस पे मारा जाए तो उससे क्या होता है, साउंड का फॉर्मेशन होता है, साउंड निकलता है तो उसे कहते हैं सोनोरस। ओके, तो साउंड निकलता है। उसके आगे देखिए लस्ट्रस, मेटल उसके प्योर फॉर्म में चमकता है, धातु उसके प्योर फॉर्म में चमकता है। आगे देखिए मैलेबल मतलब क्या है, उसको अगर ठोका जाए तो उससे ऐसा पतरा बन जाता है आपका। कभी कभी आपने कार्टून में देखा होगा डोनाल्ड डक के या फिर मिकी माउस के, कि वो हथौड़े से मारता है और मिकी ऐसे चिपक जाता है, पूरा फ्लैट हो जाता है। तो उससे ना कई सारे जगह पे, जैसे हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे ये भी देखिए, ये इस मैलेबल इफेक्ट की वजह से ये कवर बन चुका है इसका। तो आप देख सकते हो ये उसकी प्रॉपर्टी होते। साथ में वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं और तीन चीजें उनमें ज्यादा होती है, वो है मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। अब ये रही प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बता दी। याद रखने का मैं तरीका आपको बताता हूं दोस्तों, कुछ इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले तो सोडो याद रखेंगे सॉलिड और डक्टाइल के लिए, उसके बाद हम याद रखेंगे सोलू सोनरस और लस्ट्रस के लिए, उसके बाद हम याद रखेंगे मॉल, मॉल याद रखेंगे मैलेबल के लिए। तो जब मॉल में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होती है तो गर्मी होती नहीं है दोस्तों, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है, ये आप याद रख सकते हो। और जब इलेक्ट्रिसिटी हो और गर्मी कम हो तो लोगों का पेशेंस जो है ना, ना तो मेल्ट होता है ना तो वो गुस्से से बॉइल हो जाते हैं, तो वो काम रहते हैं जब एसी चलता है मॉल में, तो ना तो बॉइल होता है ना तो मेल्ट होता है। साथ में ही गर्मी वाले दिनों में अगर कहीं एसी लगा हो तो वहां पे लोग ज्यादा जमते हैं, यानी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से याद रखना है दोस्तों, सोडो मतलब सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, डक्टाइल तार बनाने वाला, फिर सोलू मतलब सोनोरस आवाज करने वाला हार्ड सरफेस पे जब लगता है, एल्यू इज फॉर लस्ट्रस चमकता है, मैलेबल यानी उसका पतरा बन सकता है। उसके बाद आगे देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है, क्योंकि मॉल में इलेक्ट्रिसिटी है तो गर्मी कम हो जाएगी बट ये अच्छे से कंडक्ट करता है, तो उसे लोग ना तो मेल्ट होंगे ना तो बॉइल होंगे गुस्से से पागल हो जाते हैं लोग अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो, और जहां एसी चलता है वहां डेंसिटी बढ़ती है। तो ये सिंपल तरीका है दोस्तों याद रखने का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो दोस्तों अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले ये जरा ना आप एक नजर घुमा लीजिए इस पे, यहां पे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
फिर जिंक है, आयरन है, लेड है, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, एंड देन आपके तीन लो रिएक्टिंग मेटल्स है। तो देखते हैं दोस्तों, ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है और लो रिएक्टिव है। आखिरी में आपका सोना चांदी भी वहां पे आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं। इसको पहले याद रखना है कि हाई रिएक्टिव कौन से और लो रिएक्टिव कौन से, मीडियम रिएक्टिव। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाले हैं। तो के एन सी इसको मैंने बना दिया कंचा। उसके बाद एम जी और एल्यूमिनियम, इसको बना दिया मैंने मा। ध्यान से देखिए दोस्तों। उसके बाद देखते हैं जिंक, फेरस और लेड। तो जिंक, फेरस को हम आयन बोलते हैं और लेड को एल। तो ये बन गया जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। अब एच और सी यू को हमने बना दिया हकुना, एच सी यू, और ये बन गया एच ए ए। तो याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं दोस्तों कि हाई रिएक्टिव कौन सा है और लो रिएक्टिव कौन सा है। बढ़िया तरीके से आपको याद रहेगा तो आगे चल के आपको आसानी रहेगी दोस्तों। तो यहां देखते हैं दोस्तों, ये मेरे जमाने की बात है, जब हम दोपहर को गर्मियों में कंचे खेलते थे तो माँ बोलती थी कि घर पे आ जा, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का चैनल पे कोई हकुना मटाटा वाले सीरियल देख, ताकि तू बोलेगा हा हा हा। तो कंचा ये क्या है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। उसके बाद है मा, एम इज फॉर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर जेड आई एल, जेड इज फॉर जिंक, आई फॉर आयन दैट इज फेरस, एल फॉर लेड दैट इज पीबी, हकुना, एच इज फॉर हाइड्रोजन, सी इज फॉर कॉपर। उसके बाद देखते एच जी ए एंड ए, यानी एक मर्क्यूरी है, एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले समझो कि हाई रिएक्टिव कौन से हैं और लो रिएक्टिव कौन से हैं। ये जब आप समझोगे तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल समझने में आसानी होगी। दोस्तों मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। अभी आपको पता चलेगा इसका इम्पैक्ट क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन विथ एयर कैसे होता है, या ऑक्सीजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बट उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, ये समझ में आ गए होंगे कौन से मेटल्स है। नहीं आए होंगे तो मेरी विनती है कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके एक बार फिर से देखिए। तो देखते हैं दोस्तों कि मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें तीन ऑप्शन आ जाते हैं कि कुछ मेटल्स बहुत एग्रेसिवली विगरसली रिएक्ट करते हैं और बर्न भी हो जाते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल टाइप का रिएक्शन हो जाता है उनका, और कुछ होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। मैं एग्जांपल देता हूं और यहां पे आप देखिए दोस्तों। से फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम जो कि हाई रिएक्टिव वाले हैं वो बर्न हो जाते हैं। मैग्नीशियम भी एक है जो बर्न भी हो सकता है, लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। बट सिंपल रिएक्ट करने वाले कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड। देख रहे हो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड, यानी ये सेंटर वाला जो है मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो रिएक्ट करते हैं। हाई रिएक्टिविटी वाले क्या करते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। और कौन से रिएक्ट नहीं करते, जैसे प्लेटिनम है या फिर आपका एजी एयू यानी सिल्वर और गोल्ड जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि ये मेटल्स है उसके साथ ऑक्सीजन यानी एयर के साथ रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं होता है तो उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। वो वीडियो भी अगर आपको चाहिए कि केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 का वीडियो देखना है तो ऑलरेडी हमारे पेज पे और यूट्यूब पे, फेसबुक और यूट्यूब दोनों माध्यम पे ये पूरे वीडियो उपलब्ध है दोस्तों। तो वहां पे उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। हमने शायद कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है ये एग्जाम्पल पिछले चैप्टर में भी दिया था। तो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं। डेफिनेशन है सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनमें से कुछ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट एंड वाटर देते हैं। डेफिनेशन समझने से पहले हम ये वर्ड समझते हैं, एम्फोटेरिक क्या है। ये वर्ड आपने एम्फीबियंस वर्ड सुना है, जैसे मान लो टॉर्टाइस है, पानी में भी रहता है जमीन पे भी रहता है, तो
तो वो एक एम्फीबियन है, फ्रॉग एम्फीबियन है, दोनों जगह रहने वाला एम्फी होता है। उसी तरह दोनों के साथ रिएक्ट करने वाला एम्फो वर्ड यूज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एम्फोटोरिक ऑक्साइड, बिकॉज ये मेटल ऑक्साइड है तो ये एम्फीबियंस नहीं हुआ, वो सजीव सृष्टि में आ गया। यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फो का मतलब दोनों तरह का, या दोनों के साथ दोनों जगह रहने वाला, या दोनों के साथ रिएक्ट करने वाला, यहाँ पे दोनों के साथ रिएक्ट करने वाला। तो डेफिनेशन दोस्तों सिंपल सी बात है, पिक्चर बनाओ। मान लो यहाँ पे क्या है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हो साल्ट एंड वाटर बनता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो भी साल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो इसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि रिएक्शन विद वाटर कैसा रहेगा मेटल का। तो मेटल तीनों तरह के पानी के साथ रिएक्ट करता है, मान लो हॉट वाटर है, या कोल्ड वाटर है, या स्टीम फॉर्म में वाटर है, इन्हीं के साथ अलग अलग मेटल रिएक्ट करते हैं। अगर आपको ये याद रखना है तो फनी वे में समझा दूंगा, पहले बताता हूं कि उसका आउटपुट क्या आता है। जब भी कोई मेटल, चाहे कोई भी मेटल हो इनमें से, या ये जो ऊपर लिखे उनमें से, जो भी वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं उनका आउटपुट क्या आता है, मेटल विथ वाटर फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब अगर किसी को याद रखना है तो देखो, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे हॉट वाटर में हम मग्गा लेते हैं, मग्गा, तो मैग्नीशियम मग्गा याद रखना हॉट वाटर वाला। कोल्ड वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम है, NaK, जब भी सर्दी होती है नाक दबा लेना, तो NaK याद रहेगा। और स्टीम के साथ फेरस और एल्यूमिनियम है, तो यानी स्टीम, जब हमें बहुत ज्यादा डॉक्टर बोलते हैं स्टीम लो तो हमें वो फील होती है ना गर्मी, तो ये FeAl को फील कर दो तो आपको फेरस यानी आयरन और एल्यूमिनियम याद रहेगा दोस्तों। और मैंने बोला इस रिएक्शन का आउटकम है मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर मान लो यहाँ पे मैंने कैल्शियम लिख दिया तो क्या होगा, वो CaOH+H2 हो जाएगा, तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा इस एक्शन में।